हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का बर्फी वाला सब्जी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कटोरी चना बेसन लिए हैं और यहाँ पर हम हल्दी, थोड़े से मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे जो धनिया पाउडर देख रहे हैं ना, इसमें सभी गरम मसाले हैं और गोलमरीच, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब एक ही में है। तो ये ले लिए हैं और इसे हम डाल देंगे बेसन में, और बेसन में डालकर इसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छे से मिल जाए तो इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका पतला घोल तैयार करेंगे। तो देखिए बेसन को हमने इस तरह पतला घोल बना लिए हैं, इस तरह का घोल ही बनाना है बेसन का। थाली के उल्टे साइड में थोड़ा सा तेल लेके पूरा अच्छे से थाली के ऊपर मिला दें। बेसन के घोल में हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर और अच्छे से इसे बेसन में मिला देंगे। गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका तो उसमें हम एक चम्मच सरसों तेल ले लिए हैं। अब इसमें हम सरसों तेल गर्म हो चुका है तो बेसन के घोल को डाल देंगे कढ़ाई में। घोल को कढ़ाई में डालकर और इसे अच्छे चलाते हुए मिलाएंगे। जैसे जैसे हम बेसन के घोल को चलाते हुए मिलाते जाएंगे, बेसन गाढ़ा होता जाएगा। बेसन के घोल को अच्छे से चलाते हुए कढ़ाई में हम इसी तरह मिलाएंगे और आस्ते आस्ते देखेंगे कि इसका पानी सूखता जाएगा और बेसन का घोल गाढ़ा होता जाएगा। तो इससे भी और गाढ़ा हमें इसे बनाना है। तो देखिए बेसन को घोल को हमने गाढ़ा इसको बनाना है, इतना ही गाढ़ा इसको बनाइएगा। जब इसको चीनी सूख कर गाढ़ा हो जाता है तो अब इसे हम थाली में जो तेल लगा कर रखे हुए थे, अब इसके ऊपर इस बेसन को हम रख देंगे। और इसे रख कर इसके ऊपर हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से थाली के ऊपर इस तरह फैलाएंगे। तो थाली के ऊपर हमने बेसन के डो को अच्छे से फैला दिया है। देखिए इतना मोटा हमने रखा है बेसन को। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। आप फ्रिज में भी रख कर जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। ऐसे भी आप 5 मिनट रखिएगा पंखे के नीचे तो ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम इसे पीस में काटेंगे। अदरक, लहसुन और प्याज को हम मिक्सर जार में पीस कर ले लिए हैं। तो देखिए थाली के ऊपर जो बेसन हमने फैला कर रखे थे ये अब ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम बर्फी डिजाइन में काट लेंगे। आप जैसा शेप में चाहें काट सकते हैं। लंबा शेप में काट लिए तो अब इस तरह हम तिरछा तिरछा काटेंगे तो ये बर्फी डिजाइन में कट जाए। तो देखिए बर्फी डिजाइन में हम काट लिए इसे। तो अब एक एक पीस निकाल निकाल कर थाली में रखेंगे। देखिए कितना अच्छा बर्फी डिजाइन में कटा है। तो सभी को इसी तरह निकाल निकाल कर थाली में रख लेंगे। बर्फी डिजाइन में काट लिए हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। मसाले हम ले लेते हैं। यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं, के अनुसार नमक ले लिए हैं, चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं और बड़ी चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलमरीच पाउडर और गरम मसाला सब एक ही में है तो वो ले लिए हैं मसाला 1 चम्मच। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका तो हमने सरसों तेल डाल लिया है बेसन के बर्फी को फ्राई करने के लिए। आप जो तेल खाएं उसमें बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम एक एक बर्फी को करके डाल देंगे फ्राई होने के लिए।
और इसे सुनहरा फ्राई करना है। तो देखिए एक तरफ फ्राई हो चुका है, तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड भी अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसे अलट पलट कर अच्छे से सुनहरा फ्राई कर लिए हैं। अब इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे बेसन की बर्फी को फ्राई कर लेंगे। तो बेसन के बर्फी को हम फ्राई कर लिए हैं, तो उसी में तेल बचा हुआ है, तो उसी में हम यहाँ पे देखिए प्याज ले लिए हैं लंबे पीस में काट कर और दो तेजपत्ता, और इसे तेल में डालकर भून लेंगे। तो प्याज को अच्छे से चलाते हुए सुनहरा भून लेंगे। तो प्याज को देखिए सुनहरा भून लिए, तो अब इसमें हम मसाले जो लिए थे वो डाल देंगे और अच्छे से मसाले को भी चलाते हुए भूनेंगे। तो प्याज में मसाले अच्छे से डाल के भून लिए हैं, तो इसी में अब हम टमाटर और धनिया पत्ता डाल देंगे। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसाले से तेल भी अलग हो गया है, तो इसमें अब हम ग्रेवी के आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी के आवश्यकता अनुसार हम पानी डाल लिए थे, तो ग्रेवी में उबाल आ गया है, तब हम बर्फी को इसमें डाल देंगे। तो सभी बेसन के बर्फी को हम ग्रेवी में डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए बेसन का बर्फी वाला सब्जी बनकर तैयार हो गया, अच्छे से पक भी गया है और ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। इतने ही ग्रेवी का बनाएंगे क्योंकि बेसन का बर्फी ग्रेवी सोख लेता है। तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बेसन का सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों तो बेसन का सब्जी बर्फी वाला आप लोग भी इस तरह बनाकर खाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।